नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू हॉक फोर्स। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के पांच सबसे ताकतवर आर्मीज के बारे में देखने वाले हैं और यह रैंकिंग तीन अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। पहले तो उस कंट्री का डिफेंस बजट कितना है, दूसरा उस कंट्री के पास कितने नंबर ऑफ वेपन्स है और तीसरा उस कंट्री की मिलिट्री साइज कितनी है। इस लिस्ट में नंबर पांच पे आता है जापान। भले ही जापान की एक्टिव सेना सिर्फ 2.5 लाख की है, लेकिन जापान दुनिया का पांचवा सबसे ताकतवर देश है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर एंड एडवांस वेपन्स। जापान का डिफेंस बजट $54.1 बिलियन है। जापान के पास 1,004 टैंक्स है और 1,418 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 256 फाइटर एयरक्राफ्ट, 17 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट और 554 हेलीकॉप्टर्स है। उसमें से 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स और 21 सबमरीन है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है हमारा प्यारा भारत। भारत भले ही दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, भारत की लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज दुनिया में सबसे बेहतर है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो इंडिया वर्सेस अमेरिका मिलिट्री कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिए। उसमें हमने इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत का डिफेंस बजट $70.6 बिलियन है। भारत के पास 14,45,000 की एक्टिव मिलिट्री है। इसके अलावा भारत के पास 4,713 टैंक्स है। उसी के साथ 2,182 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 564 फाइटर एयरक्राफ्ट, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट और टोटल 805 हेलीकॉप्टर्स है। उसमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। अगर हम भारत के नेवी की बात करेंगे तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 17 सबमरीन है। फिलहाल भारत अपनी सेना को धीरे धीरे कम करके एडवांस टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर देते हुए खुद को दुनिया में सुपर पावर बनाना चाहता है, इसलिए चाइना अपनी मिलिट्री को और भी ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का डिफेंस बजट $216 बिलियन है। इन टर्म्स ऑफ मैन पावर चाइना की 20 लाख की एक्टिव सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। चाइना के पास 5,215 टैंक्स है। इसके अलावा 3,285 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 1,200 फाइटर एयरक्राफ्ट, 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है और 912 टोटल हेलीकॉप्टर है। उसमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। इसी के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 41 डिस्ट्रॉयर्स और 79 सबमरीन है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है रशिया। रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि 1992 में जब सोवियत यूनियन बिखर गया तब मोस्ट ऑफ द वेपन्स एंड ऑल न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को मिलते। रशिया का डिफेंस बजट $65.9 बिलियन है। रशिया के पास 8 लाख की एक्टिव मिलिट्री है। रशिया के पास 12,420 टैंक्स है। इसके अलावा 4,173 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 772 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 739 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है और 1,543 टोटल हेलीकॉप्टर्स है। उसमें से 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इसी के साथ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 डिस्ट्रॉयर्स और 17 सबमरीन है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के पास भारत और चाइना से भी कम एक्टिव मैन पावर होने के बावजूद दुनिया का सबसे ताकतवर देश है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका का डिफेंस बजट $738 बिलियन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास 13,90,000 की एक्टिव मिलिट्री है और अमेरिका के पास 6,612 टैंक्स है। उनके एयरफोर्स में 13,247 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 1,957 अटैक एयरक्राफ्ट है, 783 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है और 5,463 टोटल हेलीकॉप्टर्स है। उसमें से 910 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। उनके नेवी में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 92 डिस्ट्रॉयर्स और 68 सबमरीन है। अमेरिका के पास मैक्सिमम वेपन्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, मिलिट्री बेसेस। अमेरिका के पास 750 मिलिट्री बेसेस है जो कि 80 अलग अलग देशों में फैले हैं। तो यह थे दुनिया के पांच सबसे ताकतवर देश। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम हमारी वीडियोस को और भी इम्प्रूव कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।